हेलो दोस्तों, जायका वित्तन में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए अन्नकूट की थाली, लेकिन मैंने कड़ी की और हलवे की रेसिपी आपको डाल रखी है, लेकिन मैंने अन्नकूट की सब्जी जो बनती है, जिसे हम गट की सब्जी बोलते हैं, उसकी रेसिपी आपको नहीं बताई है। आज इसलिए मैं उसकी रेसिपी आपके लिए लाई हूँ, और बाकी कड़ी की और हलवे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसमें से आप देख लेना। तो आप देखिए मैंने ये गट की सब्जी कैसे बनाई है। हम जब भंडारे में जाते हैं तो ये सब्जी ज़रूर खाने को मिलती है। अब ये घर पे कैसे बनाई जाती है मैं पूरी तरह से आपको बताऊंगी। ये मैंने बहुत सारी सब्जियाँ ली हैं, सभी सब्जियाँ जो मंडी में अधिकतर मिलती हैं वो मैंने सब थोड़ी थोड़ी ली हैं, लेकिन बैंगन और आलू हम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। हर सब्जी से बैंगन और आलू थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। बाकी मैंने आपको, मैं एक एक सब्जियों के नाम बता रही हूँ, बाकी मैं नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी कि मैंने कौन कौन सी सब्जी डाली है। ये मैंने कद्दू लिया है, ये शिमला मिर्च है, सिंघाड़ा है, मटर है, गाजर है, ग्वार की फली है, भिंडी है और मेथी है। इस थाली में तो इतनी सब्जियां हैं, और दूसरी में मैंने ये लौकी, पत्ता गोभी, फूल गोभी और मूली और पालक ली है। सबको धो के मैंने छोटा काट लिया है। ये बीन्स है, कुंदरू है, एक आंवला है और ये केला है, कच्चा केला है। इन सबको भी छोटे छोटे मैंने टुकड़ों में काट लिया है। और मैंने यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च लिए है। यहाँ इसमें टमाटर खूब सारे पड़ते हैं, मैंने ये 6-7 टमाटर और हरी मिर्च, हरी मिर्च आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से डाली है। अब हम सारी सब्जियों को कुकर में डालेंगे, क्योंकि अगर हम कढ़ाई में बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहले हम कुकर में इनको 2 से 3 सीटी देंगे, जिससे कि ये सब सब्जियाँ अच्छे से मैश हो जाएँ। तो ये सारी सब्जियाँ मैं कुकर में डाल रही हूँ, और जिससे कि सब्जियों का एक जो टेस्ट है मिक्स होने के बाद बहुत अच्छा है। आप देखिए मैंने सारी सब्जी इसमें कुकर में डाल दी है। अभी ये कुकर पूरा भर गया, लेकिन हम जैसे ही स्टीम देंगे तो ये थोड़ा सा नीचे, सब्जियां सब नीचे हो जाएंगी। इसके अंदर मैंने 1 ग्लास पानी डाल दिया है। और 1 स्पून हल्दी डाली है, और 2 स्पून मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें 4 से 5 सीटी लगा दूंगी। और अब मैंने इधर एक कढ़ाई में 4 सर्विंग स्पून ऑयल लिया है, कि हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा। तब हम 1 चम्मच जीरा, 1/4 स्पून हींग, 1 स्पून देगी लाल मिर्च और 1/2 स्पून हल्दी डालेंगे। और ये मैंने हरी मिर्च डाल दी है और अदरक डाल दी है, खूब सारी घिस के डाली है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप काट के भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ये सब घिस के डाली है। अब इसमें ये मैंने सारे टमाटर डाल दिए हैं, देगी मिर्च जरूर डाली है, उससे कलर भी अच्छा आता है और स्वाद भी अच्छा आता है। अब थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया मैंने टमाटर के हिसाब से, क्योंकि मैंने सब्जी के हिसाब से सब्जी में डाल दिया है। अब इनको मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, जिससे कि थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। इस सब्जी को आप जरूर ट्राई करिए, खाने में बहुत टेस्टी होती है और ये गोवर्धन पर ही बनाई जाती है। अभी मैंने कुकर खोल लिया, अब इसमें से करछी से अच्छे से मैश कर दूंगी। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा साबुत नहीं खाते हैं सिर्फ ज़्यादा मैश कर दीजिए, और अगर साबुत खाते हैं ये सब चीज़ें तो कम मैश कीजिए। ये दोनों तरह से बनाई जाती है। अभी टमाटर इसमें से थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, हमें पूरी तरह नहीं गलाने हैं। अब ये जो सब्जी है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। आप देखिए अभी मैंने इसे पूरी तरह से मैश नहीं किया, अभी पीसेस में दिख रही है। अभी मैं इसे टमाटर और इन मसालों में थोड़ी देर और पकाऊंगी, फिर लगेगा तो इसे थोड़ा सा मैश और करूँगी। तो देखिए अब इसमें अभी थोड़ा सा जो हमारी पाव भाजी वाला होता है, जिससे हम भाजी मैश करते हैं, उससे मैं मैश कर रही हूँ। हर सब्जी का टेस्ट उसके अंदर आ जाए, जो हमारा मसाला है, जो भी भाजी है,
ऐसा ना हो कि एक गस्से में अलग सब्जी का टेस्ट आ रहा है और एक गस्से में अलग, इसलिए हम इस सारी सब्जी को अच्छे से मैश करते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा जो इसमें पानी है उसे थोड़ा सा सुखा रही हूँ। अब इसमें मसाले डालेंगे, हमने एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर, और 1/2 चम्मच गरम मसाला, घर का गरम मसाला। एक और ट्विस्ट इसमें डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा सेब और अनार डाल रही हूँ, इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार इस तरह से भी ज़रूर बनाइए कि इस समय अनार और सेब थोड़े से ज़रूर डालिए, आप देखेंगे अन्नकूट की सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब 10 मिनट मैंने और ढक के पकाया था, आप देखिए सब्जी में सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ये खूब अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब आप देखिए सब्जी, खूब सारी सब्जी मेरी बन के तैयार है। आप चाहो तो सब्जी कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी बनानी है तो सब सब्जियाँ और थोड़ी थोड़ी कर सकते हो, ये सिर्फ आपको कितनी सब्जी बनानी है उस हिसाब से आपको सब्जियाँ लेनी है। अब देखिए अब ये थाली तैयार है, ये मैंने कढ़ी बना ली थी और हलवा बनाया है, पूड़ी बनाई है, चावल बनाए हैं और गटकी सब्जी बनाई है। आप इस थाली को ज़रूर ट्राई करिए, आप कहेंगे कि कितनी अच्छी थाली बनी है। कढ़ी भी आप देखिए खूब गाढ़ी गाढ़ी बनी है, पकौड़ी वाली, जैसा मैंने आपको पहले सिखाई थी वैसी ही है ये कढ़ी, और ये गटकी सब्जी भी पूरी तरह से तैयार है। अभी खाने में कितनी टेम्टिंग लग रही है, मैं भोग लगा चुकी हूँ गोवर्धन का, अब आप भी गोवर्धन जी का भोग लगाइए और गटकी सब्जी को बनाइए, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।